रिजर्व कर दो। यस बेटा, डाउट्स पूछिए। थर्ड एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल या क्वेश्चन, नहीं तो 21st करवाएंगे बेटे हम। एट क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा। एट से पहले कोई डाउट है तो वो भी पूछिए आप। 11.3 में एट क्वेश्चन। एक सिक्स्थ डाउट था बेटा कल आपका, हो गया वो फर्स्ट पार्ट। ए नहीं होना चाहिए था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा पहले। सिक्स्थ ए बी दोनों डाउट्स हैं, पहले बी फिर ए बता रहे। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स बी पार्ट। कल इस टाइप का एक एग्जांपल करवाया था आपको, एग्जांपल नंबर 18 बताया गया था इसी के पैरेलल, उन्हीं लाइंस पे ये देखिए। सिक्स बी पार्ट, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला प्रेड बताना है। 110, 121 एंड -2, 2-1, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे। कोई एक पॉइंट ले लिया जाएगा, पी क्यू आर। ए इसने लेने भी, ए डायरेक्शन रेशोज के लिए यूज हो रहा है, तो प्लेन थ्रू पी। A x minus 1, B y minus 1, C z minus 0, E 0. ये प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। कल बता रहे थे वो डिटेल में कि ट्राइंगल जो है प्लेन ही तो है। फिर बेटा दो पॉइंट्स 1-1 इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x को 1, y को 2 और जेड को 1। फिर बेटा -2, 2-1, एक्स को -2, वाई को 2, जेड को -1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ए माइनस बी इज सी। ए को छोड़ के बाकी जो बच गया -1, -1, -2, कल भी बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। बी को नेग्लेक्ट करके बाकी जो बच गया, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी को छोड़ के बाकी जो बच गया 0+3, सी को छोड़ के बाकी जो बच गया 0+3, तो ए बी सी की प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गई व्हाट, -2, -3 एंड 3। अब इन वैल्यूज पुट कर दो, इसको आप ये भी कह सकते हैं 2-3-3 रेशियो है बेटा। फर्स्ट में पुट करो, चेक इट, इसमें पुट करके देखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा सेकंड और थर्ड को। तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, एक्स को 2, वाई को 3, बी को 3,
एंड जेड को माइनस थ्री, सी को माइनस टू थ्री माइनस थ्री बस, तो क्या आ गया ये टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री उधर जाके फाइव आंसर। ये आंसर बस बेटा जनरल नॉलेज, अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तब भी लिख सकते हैं। व्हाट आर तो आएगा ही डॉट एज फाइव, यहां क्या लिखेंगे टू वाई प्लस थ्री जे माइनस थ्री के आंसर। स्टेप्स पूछे आप, फर्स्ट फिगर में कोई डाउट, सेकेंड थर्ड दो इक्वेशन कैसे बनी, सॉल्व कैसे किया, फोर्थ वैल्यूज पुट कर दी, फिफ्थ नंबर बोल लिया आप। तो बेटा पूछना है, कोई डाउट रह जाता है उसको पूछिए बेटा आप, सिक्स रहेगा पूछिए, इससे पहले भी और कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। सिक्स ए पार्ट भी देखिए बेटा, तो 21st एग्जाम्पल आज करवाएंगे, 25th सिलेबस में नहीं है, नहीं करना। कट कर दीजिए बुक में, एक दो क्वेश्चन और भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट यूज हो जाता है। 25th नहीं करना, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल आपको लिख के भी दे गए, दोबारा फिर देंगे नेक्स्ट नोट्स के साथ प्रिंटेड कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। और डाउट किसी स्टेप्स पर, सिक्स्थ ए पार्ट भी देखिए, रब कर रहे हैं बेटा फिर इसको बिल्कुल इसी के पैरेलल। क्वेश्चन ही पैरेलल क्वेश्चन, उस प्लेन की इक्वेशन बताइए जो 1 1 माइनस 1 से पास कर रही है, दो पॉइंट्स और दे रखे हैं 6 4 माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 2 3। जैसे अभी बताया गया है उसी तरीके से प्लेन क्या होगा, ये P point, Q point, R point, क्या हुआ A x minus 1, B y minus 1, इसका आंसर हमें चाहिए। दो पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं और उसको सेटिस्फाई करेंगे, बट 6 4 minus 5 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ गया 5 है, y को 4 db, z को माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3 तो माइनस 4 माइनस 5 है, माइनस 2 माइनस 3 भी 3 प्लस 4 c। तो ये जो थर्ड बन रही है, थर्ड कुछ नहीं है, ये सेकंड ही तो है, माइनस से डिवाइड कर देंगे जो थर्ड है, थर्ड इज सेम एज टू, थर्ड वही है जो सेकंड है, तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं, आप ए बी सी को कुछ भी पुट कर सकते हैं, बी को पुट करो सी को, एक ही इक्वेशन रही ना बेटे, एक ही कंडीशन रही, ओनली वन कंडीशन। कौन सी कंडीशन रही, केवल 5 है प्लस 3 बी माइनस 4 सी इक्वल टू 0,
इसके लिए तो बेटे इनफाइनाइट एबीसी है। कैसे? बी को कुछ पुट करो, सी को कुछ पुट करो, ए की वैल्यू आ गई है, ए बी को पुट करो, ए को जीरो किया, बी को जीरो किया, सी का आंसर आ गया, ए को वन किया, बी को माइनस वन किया, सी का आंसर आ गया, सी को जीरो, बी को जीरो, ए का आंसर आ गया। तो कितने आंसर आ सकते हैं? इनफाइनाइट, जो केवल एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब दो कंडीशंस नहीं है तो कितने प्लेन्स हुए बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लेन्स हो गए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लेन्स का क्या मतलब है? इन तीन थ्रू ए पी क्यू आर, पी क्यू आर से पास होने वाले कितने प्लेन्स है? इनफाइनाइट। वो तो कब होगा? दैट इंप्लाइज पी क्यू आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं होते तो केवल एक प्लेन पास होता। अब कोलिनियर होने से एक एक स्ट्रेट लाइन बन गई। एक स्ट्रेट लाइन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, इधर से प्लेन, कोई भी, इस पे एक फट्टा रख के इसको घुमा दो आप, तो कितने प्लेन बन गए? इनफाइनाइट। तो तीन पॉइंट से तो एक ही प्लेन पास हो सकता था, तीन पॉइंट से कई प्लेन पास हो रहे हैं, कई प्लेन पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोलिनियर है ये पॉइंट, कोलिनियर। तो इनफाइनाइट मेनी प्लेन पास हो सकते हैं इससे, इनफाइनाइट। तो पॉइंट आर कोलिनियर, बस। आराम से कीजिए चेक। तो कोई एक प्लेन नहीं लिख सकते, पीछे भी आंसर ये दे रखा है, पी क्यू आर एंड इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स। कैसे? ए को जीरो रखा, बी को जीरो रखा, तो सी का आंसर जीरो आ गया, ए को वन रखा तो जीरो जीरो, तो फिर कोई इक्वेशन नहीं बनी। कुछ और भी, ए को वन, बी को वन, इस टाइप से ए जीरो बी जीरो, तो सी का आंसर आ रहा है। इस टाइप से कई प्लेन्स बन सकते हैं, जीरो जीरो ना रखे, कुछ और रख सकते हैं, ए जीरो ए बी वन, ये वन ये जीरो, जिससे एक्स वाई जेड में रिलेशन आए। तो देयरफॉर इनफाइनाइट प्लेन्स, इनफाइनाइट प्लेन्स है, ये लिखना चाहे लिखे कोलिनियर है या नहीं, लेकिन आपका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट प्लेन्स। इनफाइनाइट है तो हम लिख नहीं सकते, वो सभी एबीसी जो इसको सेटिस्फाई करे वो आंसर होगा। कोई एक प्लेन लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स है, यही आंसर है, ये आंसर। कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशन सेम आई, सेकंड थर्ड केवल एक ही कंडीशन आई, देयरफॉर इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स है। फिफ्थ जनरल नॉलेज, आंसर तो यही छोड़ सकते हैं, कोई इनफाइनाइट में डिफरेंस है, इनफाइनाइट है तो लिख नहीं सकते। ऐसे एबीसी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे उतने सारे प्लेन सर। कोई डाउट बेटा? और पूछे नंबर आप, सिक्स्थ एट्थ कह रहे थे ना, एट्थ नंबर डाउट है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर एट बताते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर एट बताया जा रहा है। एट देखे, एट रब कर रहे बेटे,
एक रिजल्ट देखते हैं। लॉजिक जो कंडीशन है वही इक्वेशन है। जो कंडीशन जैसे एक्स वाई जेड पे जो कंडीशन आ रही वही इक्वेशन है। अब देखिए बेटा ओ एक्स जेड एक्स पे क्या हुआ फर्श हुआ फ्लो जेड एक्स प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करे उसकी क्या कंडीशन उसकी हाइट जीरो। फिर से देख जेड एक्स प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करे उसकी क्या कंडीशन है उसकी हाइट जीरो है। जेड एक्स प्लेन का क्या मतलब है जिसके अंदर एक बाउंड्री तो एक्स एक्सिस है और एक बाउंड्री जेड एक्सिस है। प्लेन के लिए तो दो ही बाउंड्री चाहिए लेंथ और ब्रेथ। जेड एक्स प्लेन का क्या मतलब है जिसकी एक बाउंड्री जेड एक्सिस है और एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है। तो जेड एक्स प्लेन जो है फर्श हो गया फर्श पे कोई पॉइंट लाई करे उसकी क्या कंडीशन उसकी हाइट जीरो होगी वाई जीरो। तो ये इक्वेशन तो फ्लोर का इक्वेशन क्या हुआ वाई इक्वल टू जीरो। जीरो एक्स प्लस वन वाई प्लस जीरो जेड इज जीरो। ट्रिक ये विच वेरिएबल इज एब्सेंट जो वेरिएबल एब्सेंट है That is zero, वो zero. जो वेरिएबल एब्सेंट है वो जीरो है। अब जैसे अगर हम ये कहें एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस कोई पॉइंट x एक्सिस पे लेना है तो इसमें क्या नहीं कह रहे जब हम x एक्सिस करें तो y और z नहीं कह रहे तो y और z जीरो। एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सप्लेन कह रहे जब जेड एक्सप्लेन कह रहे हैं तो क्या नहीं कह रहे वाई नहीं कह रहे तो वाई जीरो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा यानी एक्स जीरो जेड। जेड एक्सप्लेन कह रहे हैं तो वाई नहीं कह रहे वाई कोऑर्डिनेट जीरो जो एब्सेंट वो जीरो बस जो एब्सेंट वो जीरो। अब जेड एक्सप्लेन की इक्वेशन चाहिए तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा बाकी के बारे में हमें कुछ नहीं बाकी चाहे कुछ भी हो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो जेड एक्सप्लेन की इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू जीरो। इसके जो डायरेक्शन रेशियो है परपेंडिकुलर के वो क्या होंगे जीरो वन जीरो। जनरल नॉलेज जेड एक्सप्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वैक्टर है कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं जाने कॉस 90 कॉस जीरो कॉस 90 फर्स्ट एक्सरसाइज में था वही तो आ रहा है जीरो वन जीरो। तो जो एब्सेंट वो जीरो जब हम जेड एक्सप्लेन कह रहे हैं तो उसमें क्या नहीं कह रहे वाई तो वाई इक्वल टू जीरो ये कंडीशन है कोई पॉइंट एक्स जीरो जेड जेड एक्सप्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट एक्स जीरो जीरो वाई और जेड जीरो। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा जब हम वाई एक्सिस कह रहे हैं तो उसमें क्या नहीं कह रहे हैं एक्स और जेड तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो। तो ये तो थ्योरी पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 8 कह रहा है उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जिसका y इंटरसेप्ट 3 है यानी y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है 3 डिस्टेंस पर एंड पैरेलल टू zox प्लेन। तो zx प्लेन भी कह सकते हैं zox प्लेन भी कह सकते हैं zox प्लेन इसके पैरेलल है। यहां पे एक प्लेन बनाना है इसकी इक्वेशन चाहिए हमें तो zox प्लेन के पैरेलल है ये प्लेन इसके पैरेलल। स्टेटमेंट में कोई डाउट जब ये इंटरसेप्ट 3 है इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं y एक्सिस है जो y कह रहे हैं तो क्या एब्सेंट है x और z x0 z0 y कोऑर्डिनेट 3 b
वैसे भी यहां तक पहुंचना है तो एक्स के लॉन्ग नहीं जाना है, सिर्फ वाई के लॉन्ग जाना, जीरो जीरो उसके ऊपर एक पॉइंट हो। कोई डाउट? तो जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो, जीरो थ्री जीरो से पास हो रहे रब कर रहे बेटा। कोई डाउट? जो वेरिएबल अब्सेंट है वो जीरो फर्स्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट, जेड एक्स प्लेन के ऊपर पॉइंट, एक्स जीरो जेड नंबर बोलना है आप। और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? वाई इक्वल टू जीरो। रब कर रहे हैं ये, तो जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन पता लग गई, ये फर्स्ट प्लेन फर्स्ट ही है, सेकेंड हमें निकालना है जिसका वाई इंटरसेप्ट थ्री है, तो सेकेंड क्या होगा? एक पॉइंट पता है ना बेटा, जीरो थ्री जीरो, तो क्या होगा? ए एक्स माइनस जीरो, बी वाई माइनस थ्री, सी जेड माइनस जीरो। आंसर क्यों नहीं है ये? ए बी सी नहीं पता। नोट, अगर पैरेलल प्लेन से तो उनका नॉर्मल सेम होगा, अगर पैरेलल प्लेन से सेम नॉर्मल, पैरेलल प्लेन से तो नॉर्मल सेम होगा, तो बेटा ये y इक्वल टू जीरो जेड एक्स प्लेन है, ये प्लेन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस थ्री, ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकेंड, नॉर्मल सेम है, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो इसमें फुट कर देंगे, बिकॉज सेकेंड पैरेलल टू वन, तो दैट इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो रहा है? जीरो वन जीरो, पुट कर दो इसके अंदर एक्स को क्या पुट, ए को क्या पुट कर दिया जाएगा? जीरो, बी को वन और सी को जीरो, तो क्या आंसर आ गया? वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड ही तो है ना। फर्स्ट फिगर पे कोई डाउट? सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखी? थर्ड ये इक्वेशन कैसे लिखी? रिजल्ट में कोई डाउट? फोर्थ में कोई डाउट? फिफ्थ नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोलें आप। फिर से देखिए, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डिग्री एक्स वाई जेड कैसे? जीरो एक्स प्लस वन वाई प्लस जीरो जेड इज जीरो, वो प्लेन जो इसके तो पैरेलल है, तो ये पैरेलल इसके, और y इंटरसेप्ट 3 है, तो 0 3 0 से पास करेगा, तो एक पॉइंट पता है तो प्लेन तो वैसे ही पता लग गया, सिर्फ ABC नहीं पता। ये दो प्लेन पैरेलल हैं, अगर पैरेलल प्लेन से हैं तो उनका नॉर्मल तो सेम ही होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x y z, तो 0 1 0 0 1 0 ऊपर ABC है, तो ए को बी को और सी को हमने पुट कर दिया, आंसर यहाँ पुट कर दिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल भी आ गया, वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आंसर। कोई कंफ्यूजन? स्टेप्स पूछे आप, वन टू थ्री फोर फाइव। सर एक बार रिपीट करना सर।
रिपीट करते हैं बेटा, क्वेश्चन ये था, रिजल्ट क्या है, लॉजिक कंडीशन जो है वो इक्वेशन है, ये देखिए, किसी प्लेन के लिए दो डायमेंशन चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, प्लेन कोई एक पट्टा है, दो डायमेंशन, तो ओ एक्स और ओ जेड मिलके जो प्लेन बनाएंगे, लेंथ और ब्रेथ, ओ एक्स और ओ वाई मिलके बनाएंगे तो एक्स वाई प्लेन, ओ एक्स और ओ जेड मिलके जो प्लेन बना रहे हैं ये है जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन आप कह सकते हैं रूम का फर्श, जेड एक्स ये हाइट वाई, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो, वो प्लेन जो इसके पैरेलल है और वाई इंटरसेप्ट थ्री है, वाई इंटरसेप्ट थ्री है तो उसकी हाइट थ्री है, तो वो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, वाई एक्सिस है तो इसमें क्या सेंट है, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड तो जीरो हुए, और ये थ्री, ये वन और ये वन, जेड एक्स प्लेन जो नीचे, तो जीरो थ्री जीरो से पास होने वाला प्लेन आपको पता है, लिख दिया, जीरो थ्री जीरो से पास होने वाला प्लेन ए एक्स माइनस जीरो, बी वाई माइनस थ्री, सी जेड माइनस जीरो, ये है हमारा सेकंड प्लेन। आंसर इसलिए नहीं है कि हमें एबीसी नहीं पता, लेकिन सेकंड और फर्स्ट पैरेलल है, एबीसी है क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, अब ये दोनों सेम है, देखो ये वाई इक्वल टू जीरो, दो पैरेलल प्लेन है तो नॉर्मल तो सेम है, तो इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, इस दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, जीरो वन जीरो, तो जीरो वन जीरो पुट कर देंगे, तो दैट इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू फर्स्ट एंड सेकेंड, चाहे फर्स्ट कह लो चाहे सेकेंड कह लो, वो क्या हुए, जीरो वन जीरो, पुट कर देंगे, ए को जीरो, बी को वन और सी को जीरो, आप पूछिए बेटा कोई डाउट, फर्स्ट फिगर में, सेकंड ये इक्वेशन कैसे है, थर्ड नंबर बोल रहे हैं आप, नंबर बोलिए बेटा कोई डाउट है तो, नंबर पूछिए कोई डाउट बेटा, और बोलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोलिए बेटा, और कोई डाउट है जो मुश्किल लग रहा है, एग्जांपल या क्वेश्चन कोई भी, एनी एग्जांपल और क्वेश्चन, सर एग्जांपल 16 रिपीट करना सर एक बार, यस बेटा 16 नंबर देखें, एग्जांपल 16 देखें, जैसे नोट्स में क्या है इस ढंग से करना 16 एग्जांपल, नोट्स वाले तरीके से करना है, कह रहा है जीरो 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 से ओरिजिन से, इसकी टाइप हमने आपको बता दी थी कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इमेज इस प्लेन के ऊपर, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ओ पी, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखा, इमेज उतनी डिस्टेंस पे लीजिए, तो लॉजिक ये पी पॉइंट लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, करवाया जा चुका है पिछला लेक्चर भी देखेंगे, स्टेप फर्स्ट पहले लाइन की कंडीशन यूज कर रहे हैं, ओपी क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो,
टू माइनस थ्री फोर क्या है? डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर, टू माइनस थ्री फोर लिख देंगे, टू माइनस थ्री बस। एनी पॉइंट की क्या ट्रिक? अब पी को ओपी के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट है, पी भी एक पॉइंट है, तो एनी पॉइंट पी ऑन लाइन। इसको टी के इक्वल रखो तो क्या बनेगा? टू टी माइनस थ्री टी फोर टी। बस टी पता लग जाए तो आंसर। बस बुक में लेंथ ही जैसे आपको बताया जा रहा है ढंग से करना है। प्रीवियस ईयर्स में इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए। स्टेप टू, पी जो पॉइंट है टू टी माइनस थ्री टी माइनस फोर टी, ये प्लेन के ऊपर भी है, लाइन के ऊपर भी, लाइन वाला कंसेप्ट तो यूज कर लिया। ये प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, मीनिंग एक्स की जगह टू टी, वाई की जगह थ्री टी माइनस थ्री टी, जेड की जगह फोर टी। तो फोर प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा, बस आंसर इसमें पुट कर दो। पी क्या बन जाएगा? टू टी थ्री माइनस थ्री टी फोर टी है, टी की जगह सिक्स बाई ट्वेंटी नाइन। नंबर पूछा जा सकता है बेटा, कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट? स्टेप नंबर पूछे आप। एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।